तो पिंस एंड नीडल यानी कि सुइयां चुभना और झुंझुनाहट, ये क्यों होता है? देखिए, एक बड़ा फाइन डिफरेंस है। नंबनेस इसलिए होती है क्योंकि नर्व जो होती है वो दबने लगती है, डैमेज होने लगती है या खींचने लगती है, जबकि पिंस एंड नीडल सेंसेशन, झुंझुनाहट और टिंगलिंग, ये इस वजह से होती है क्योंकि नर्व को जो ब्लड सप्लाई होती है वो हैम्पर होने लगती है। तो पिंस एंड नीडल या तो पूरी बॉडी में हो सकता है या कुछ पार्ट्स में हो सकता है। अगर पिंस एंड नीडल छोटे छोटे पार्ट्स में हो रहा हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बीमारी होती है जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, उसका एक सिम्टम होता है। तो आप ये जान रखिए कि पिंस एंड नीडल्स बहुत छोटी चीज भी हो सकती है और बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है। पिंस एंड नीडल का एहसास हम लोग को कॉमनली तब होता है जब हम रात में एक तरफ पार्ट को दबा करके सो जाते हैं, उस तरफ की ब्लड सप्लाई वो कट हो जाती है या ढीली पड़ जाती है। तो नसों में जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो हम सवेरे उठते हैं तो वो हाथ दर्द हो रहा होता है, झुंझुना रहा होता है, सुइयां चुभ रही होती हैं। ज़्यादा देर तक हम अगर पूजा में ही बैठ जाएं एक पोस्चर में तो भी ये फिनोमेना देखने में मिलता है। ऐसे में बड़ा सिंपल होता है, उस एरिया से लोड हटा दीजिए, पैर को सीधा कर लीजिए, हिला लीजिए, ब्लड सप्लाई वापस आ जाती है, पिंस एंड नीडल सही हो जाता है। ऐसे में कोई डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पिंस एंड नीडल आपको लंबे समय तक रह रही हो, दिनों दिन रह रही हो या बार बार आ रही हो बिना किसी कॉज के, बिना कोई एपरेंट कॉज के, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो पता लगाए कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। सबसे कॉमन कॉज इंडिया में जो होता है वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है और डायबिटीज़ होता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, B12 का सप्लीमेंटेशन होगा, पूरी हो जाएगी। डायबिटीज़ की वजह से क्या होता है, नर्व तो डैमेज होती होती है जो नंबनेस कॉज करती है, साथ ही साथ डायबिटीज़ में जो माइक्रो सर्कुलेशन होता है उसमें एंजियोपैथी होने लगती है और वो एंजियोपैथी की वजह से टिंगलिंग और पिंस एंड नीडल का सेंसेशन होने लगता है। साथ ही साथ अगर ये पिंस एंड नीडल का सेंसेशन पूरी बॉडी में अलग अलग हिस्सों में हो रहा हो तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस करके एक बीमारी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके की बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी होती है ट्रांसवर्स माइलाइटिस, जो कि जब सुन्नपना होता है बॉडी में तब पता लगती है। तो ये दो बहुत गहन बीमारियां होती हैं जिनमें कि ये कारण पाया जाता है, नंबनेस और पिंस एंड नीडल का। फिर अल्कोहल लेने वाले लोगों को भी ये प्रॉब्लम बहुत होती है, उसका कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अल्कोहल लेने वालों को भी ये प्रॉब्लम होती है और इसका कारण मैं पहले भी बता चुका हूँ, B12 की डेफिशिएंसी होना और उनके सर्कुलेशन का पुअर होना। पिंस एंड नीडल एक सिंड्रोम के साथ हो सकता है, अलग अलग सिंड्रोम पे अलग अलग कॉजेज होते हैं। जैसे कि पिंस एंड नीडल का सेंसेशन हो रहा हो, झुंझुनाहट और सुइयां चुभ रही हूँ और साथ ही पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा हो, हाइपर वेंटिलेट करके मैं दिखाता हूँ हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है। छोटी छोटी जल्दी जल्दी सांस लेना या एक बार में गहरी सांस लेना और फिर छोटी छोटी जल्दी जल्दी सांस लेना। एक बार फिर से देखिए, ऐसा अक्सर साइकोलॉजिकल कॉजेस से होता है, स्ट्रेस से होता है या मन में कुछ ऐसी बातें हों जो पूरी ना हो पा रही हों जिसकी वजह से ये हाइपरवेंटिलेशन होता है। एक और कारण होता है इसका BP का लो हो जाना, दूसरा एनीमिया, तीसरा कॉज जो होता है वो एनीमिया, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। इसी के साथ ये सिम्टम पिंस एंड नीडल का आ सकता है। एक और सिंड्रोम होता है कि एक जगह दर्द हुआ और फिर वो नस का दर्द चारों तरफ फैल गया, जैसे कि शियाटिका हो गया या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो गई। इसका कारण आपको मालूम है, नस का दबना और सर्कुलेशन की कमी हो जाना। ऐसे ही एक कारण ये हो सकता है कि शुगर बड़ी हो और साथ में पिंस एंड नीडल का सेंसेशन हो, तो ये डायबिटीज एक बड़ा कारण होता है। लिवर ठीक से काम ना कर रहा हो, अल्कोहल पेशेंट ले रहा हो, तो पिंस एंड नीडल और नंबनेस का सेंसेशन हो सकता है। तो क्या नंबनेस और पिंस एंड नीडल में होम्योपैथी कारगर है? बहुत कारगर है। हर वो केस में जिसका कि कॉज हमको मालूम है,
उसमें होम्योपैथी की दवा अलग अलग कॉज पे अलग अलग तरीके से आराम देती है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया। इन सिम्टम्स को जो बहुत कॉमन होते हैं, इनको अगर वो बार बार आ रहे हैं और ज़्यादा दिनों तक रह रहे हैं, ज़्यादा देर तक रह रहे हैं, तो आप इनको हल्के में ना लें। सुन्नपना, झुंझुनाहट, सुइयाँ चुभना, अगर ये बदन में हो रहा हो तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें और सही दवा का सेवन करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। धन्यवाद। नमस्कार।